नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जेड पैरामीटर के रिगार्डिंग एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जेड पैरामीटर क्या है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसको इम्पीडेंस पैरामीटर या फिर ओपन सर्किट पैरामीटर क्यों कहते हैं, सो ये सब चीज़ हमने डिस्कस की है। ठीक है, आज एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, इसके रिगार्डिंग बहुत ईजी एग्जाम्पल भी आते हैं जिसमें सिंपल आपको टी नेटवर्क या फिर पाई नेटवर्क दिया होता है और आपको फाइंड करना होता है आपके जेड पैरामीटर्स की वैल्यू। इस वाले एग्जांपल्स को डिफ़िकल्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो उस वाले एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास कोई एग्जाम्पल है जिसमें हमें बोला है फाइंड द जेड पैरामीटर्स फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि भाई टू पोर्ट नेटवर्क है, इनपुट पोर्ट पर वोल्टेज है V1, करंट है I1 एंड आउटपुट पोर्ट पे हमारा वोल्टेज है V2 एंड करंट I2। ठीक है, जेड पैरामीटर फाइंड करना है। अभी मैंने बोला कि उसको हम ओपन सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं, सो वन बाय वन हम इनपुट और आउटपुट को ओपन सर्किट करेंगे। उस केस में I1 और I2 की वैल्यू 0 कंसिडर करके हमारे V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमारे जेड पैरामीटर मिल जाएंगे। यही हम करते थे जब हमारे पास प्रीवियस केस में मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम जब उसके रिगार्डिंग थियरी पढ़ रहे थे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। लेट से हमारे पास जो अभी आउटपुट करंट है, ठीक है, सो इस पार्ट को अभी हम ओपन सर्किट कर देते हैं। हमारे जो आउटपुट सर्किट है उसको ओपन सर्किट कर देंगे, उस केस में हमारे करंट I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। लेट से माय आउटपुट इज ओपन सर्किटेड, और वी कैन से माय पोर्ट नंबर 2 इज ओपन सर्किटेड। इन दैट केस आई कैन राइट दैट माय करंट I2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो अब ओपन सर्किट हो गया, तो उस केस में आउटपुट करंट I2 की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, और हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है V1, उसकी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, तो जेड पैरामीटर या फिर वाई पैरामीटर के बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तब हम जब V1 और V2 की वैल्यू या फिर I1 और I2 की वैल्यू कंसिडर करेंगे तो वो 1 वोल्ट, ठीक है, वो कंसिडर करेंगे। अभी V2 की वैल्यू करेंगे बाई मेकिंग योर इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड, इन दैट केस वी विल ऑल्सो कंसिडर V2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको हम 1 वोल्ट लेते हैं। उस केस में इस सर्किट को अगर मैं सिंपल ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स रहेगा 1 वोल्ट का, ठीक है, और इस केस में I2 की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, तो कुछ ऐसी सर्किट है और उसको हमें फाइंड करना है। लेट्स से यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है हमें पता है ये कौन सा करंट है, I1, और यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा उसको हम I2 नहीं बोल सकते क्योंकि I2 हमने ऑलरेडी यहाँ पर ले लिया है। सो लेट्स से ये वाला करंट है वो है I3। ठीक है, सो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, I2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये ओपन सर्किटेड है और इनपुट वोल्टेज V1 है 1 वोल्ट। तो हमें पता है कि जब हमारे जो आउटपुट पोर्ट है उसको अगर हम ओपन सर्किट करेंगे सो उस केस में हमें क्या हमारे पैरामीटर मिलने वाला है, Z11 एंड Z21, ये पैरामीटर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आप पिछले लेक्चर में देखने आपको मैंने बताया था कि भाई जब हम आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करेंगे उस केस में Z11 और Z21 के वैल्यू मिलेगी। अब वो कैसे मिलेगी हम देखते हैं। ठीक है, सो ये वाले रूप में आप अगर आप केवल चलाएं, ठीक है, केवल अप्लाई करें ये लूप 1 में, तो आप लिखेंगे दैट वोल्टेज 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, तो अगर I1 करंट के बारे में बात करूँ तो 2+2 दैट विल बी 4 इंटू I1, और यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस में से दूसरा करंट भी फ्लो करेगा वो होगा I3, और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट, ये वाला करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा I3 इस डायरेक्शन में, दैट इज़ वाई यहाँ पर आएगा -2 I3। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया। सेम ये दूसरे लूप में भी मैं KVL अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जो कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो करंट I3 फ्लो करेगा 2+2 4I3, तो यहाँ पर आएगा 4I3। यहाँ पर एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो कि है 4I1, सो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आता है, तो साइन कौन सी रहेगी, पॉजिटिव। और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें से करंट I1 भी फ्लो करेगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, दैट इज़ वाई वी हैव टू राइट -2 I1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है।
ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमें आई वन और आई थ्री के फॉर्म में है। अगर मुझे आई वन और आई थ्री की वैल्यू निकालनी है, मेरे पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, इसको सोल्व करके मैं आई वन और आई थ्री की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अभी मैंने आपको इक्वेशन लिख के बताया, अगर आगे जाके जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं तब मैं हर बार इक्वेशन लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली हमारी सर्किट में से उसका जो रिलेटिव मैट्रिक्स है वो बना दूंगा। तो वो कैसे बनाते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हर बार मैं ये इक्वेशन लिखने वाला नहीं हूँ। अब यहाँ पर देखिए आई वन करंट किस में से फ्लो कर रहा है, तो हमारा जो वेरिएबल है आई वन एंड आई थ्री, ठीक है, यही दोनों चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू सम आउटपुट, ठीक है। सो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि भाई माई जेड मल्टीप्लाई बाई, सो जेड मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई आई मैट्रिक्स इज नथिंग बट बी मैट्रिक्स, ओके। सो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2+2 4 और करंट होगा आई वन, सो ये 4 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर से दूसरा भी करंट फ्लो करेगा 2 ओम में से, वो होगा आई थ्री, ठीक है। सो आई थ्री यहाँ पर है और डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो यहाँ पर आएगा -2। सो इस वाले इक्वेशन को मैंने सिर्फ मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, लेकिन वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर से लिख सकता हूँ, ठीक है। सो अब ये देखिए आप 4 I1 दैट इज 4 I1 -2 I3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर 1 वोल्ट है, ठीक है। अब मैं दूसरे लूप के बारे में लिखूंगा, तो यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 2+2 4 I3 आएगा, ठीक है। सो 4 यहाँ पर आएगा 4 I3, और यहाँ पर करंट I1 कहाँ से फ्लो हो रहा है, सिर्फ 2 ओम में से हो रहा है, सो यहाँ पर आएगी वैल्यू 2, ठीक है। सो ये हो गया क्लियर आपको, तो बहुत ईजी है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है डायरेक्टली आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो 4 I1 -2 I3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ 2 यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर से करंट फ्लो करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा I1, सो यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी -2 I1 +4 I3, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ओके, क्योंकि यहाँ पर ये वाला सोर्स है वो है वी कैन से इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दैट इज 4 I1 -2 I1, ये क्या हो गया 4 I1 -2 I1, इसको मैं लिख सकता हूँ सिर्फ 2 I1, सो इस केस में ये पॉजिटिव 2 I1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएंगे I1 और I3 की वैल्यू। अब सिंपल हम यूज़ करेंगे क्रैमर्स रूल टू सॉल्व अवर दिस इक्वेशन, ओके। क्रैमर्स रूल में हम क्या करते हैं, अगर मुझे I1 की वैल्यू फाइंड करनी है, सो I1 को मैं लिखूंगा दैट माई दिस वी हैव टू रिप्लेस दिस 4 and 2 दिस कॉलम बाय 1 and 0, ओके। सो वी हैव पुट 1 and 0 -2 and 4, क्यों, क्योंकि हमें I1 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट कॉलम है उसको हमें ऑमिट करना पड़ेगा, उसकी जगह पर ये रखेंगे। डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, डिवाइडेड बाय वी हैव टू फाइंड द डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये हमारा जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, तो अभी मैं फिर से ये लिख लेता हूँ 0 4, डिटर्मिनेंट की बात करूँ इसका तो 4 into 4 16 16 -2 into 2 -4 और माइनस बीच में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 16 + 4 विल बी 20, सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे मिलेगी 20, ठीक है। और I1 की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, तो 4 into 1 4 -0 0 into -2 विल बी 0 ओनली, सो 4/20 लिखूँ, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 और 0.2 एम्पियर। सेम I3 की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं कैसे करूँगा, तो डिनोमिनेटर में तो डेल्टा ही रहेगा, अब यहाँ पर 1 0 मैंने यहाँ पर लिखा था, तो अब मुझे I3 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 1 into 1 0 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कौन से कंपोनेंट थे 4 into, ठीक है। सो आप क्रैमर्स का रूल तो मैथ्स में भी पढ़े होंगे, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सो 4 into 0 क्या रहेगा 0 -2 into 1 -2/20, ठीक है, तो ये मिलेगा हमें -1 एम्पियर। तो अब हमारे पास I1 एंड I3 की वैल्यू है, ठीक है। अब I3 क्या है, I3 है करंट यहाँ पर, अब मुझे पता है फिर से हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, Z11 एंड Z21। Z11 क्या है मुझे पता है, Z11 क्या है, दैट इज़ नथिंग बट V1/I1। अब यहाँ पर 1 है, दैट इज़ बाई V1 आएगा, दूसरा 1 I1 आएगा। सेम मुझे Z21 चाहिए, तो क्या मैं लिखूँगा, V और I तो सेम है,
लेकिन यहाँ पर आएगा वी टू और आई वन, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर टू वन है इसलिए यहाँ पर न्यूमरेटर में टू आएगा, डिनोमिनेटर में वन आएगा, सिर्फ आपको याद रखने के लिए है, सिर्फ सिंपल आप याद रख सकते हैं इसलिए, ठीक है। अब वी वन की वैल्यू मेरे पास है वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई वन की वैल्यू मेरे पास है अब 0.2, ठीक है। तो मैं वन डिवाइडेड बाय 0.2 होगा मेरा 5 ओम, ओके। अब यहाँ पर मुझे चाहिए वी टू, तो वी टू की वैल्यू अभी मेरे पास नहीं है, आई वन की वैल्यू मेरे पास अभी मिल गई है वो है 0.2, ओके। सो आई वन की वैल्यू मैं लिखूँगा 0.2। लेकिन अगर वी टू को कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वी टू क्या है, वोल्टेज अक्रॉस दिस पोर्ट, ठीक है, इट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ओम रेजिस्टेंस। अब मुझे पता है ये 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू क्या है, वो है I3, ठीक है। सो इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, 2 × I3, दैट इज इक्वल टू V2, ठीक है। सो 2 I3 की वैल्यू अभी है मेरे पास -0.1, सो -0.1 इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा -0.2 वोल्ट। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ -0.2, 0.2 वो कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा दैट विल बी -1 ओम, ठीक है। तो ये मुझे मिल गई Z11 एंड Z21 के वैल्यूज, ठीक है। सेम अगर मुझे अब सेकेंड केस आएगा कि जब मुझे Z22 और Z12 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो उस केस में हम करेंगे, हम इस वाली जो इनपुट सर्किट है उसको ओपन सर्किट कर देंगे और हमारा जो वोल्टेज सोर्स है 1 वोल्ट का वो यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वही करते हैं, अब I2 इज इक्वल टू 0 की जगह पाएगा I1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पाएगा V2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये वाली प्रोसीजर मैं थोड़ी सी जल्दी से करता हूँ, अब ये फिर से मैट्रिक्स में अभी बना रहा हूँ तो जल्दी से बना दूंगा इस बार मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर I1 लिया था हमने, ठीक है, अब ये I3 को सेम रखते हैं, अब यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा होगा, I2। अब I1 की वैल्यू क्या हो गई, 0, क्यों, क्योंकि हमने ये है उसको ओपन सर्किट किया है और यहाँ पर हमारा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सर्किट कुछ ऐसे दिखेगी, ओके। अब फिर से मैं लूप इक्वेशन डायरेक्टली मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने I3 करंट को पहले लिखा है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ। सो यहाँ पर 2 + 2 क्या आएगा, 4, और दूसरा यहाँ पर कोई डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, हाँ 4I1 करके है और यहाँ पर I1 करके है, ठीक है। अब मुझे पता है कि I1 की वैल्यू क्या है, 0। अब I1 की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रहेगा ही नहीं, ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब ये तो I3 की बारी बात कर ली, लेकिन यहाँ से I2 करंट भी फ्लो करेगा, वो डायरेक्शन भी उसकी अपोजिट रहेगी, ठीक है। और यहाँ अब जब हम ये वाला लूप रहते हैं, अब ये वाले लूप की डायरेक्शन ये लेते हैं, तो अब इसके बारे में ये वाला लूप की डायरेक्शन भी हम यही कंसिडर करेंगे, ठीक है, करंट I3 रहेगा लेकिन डायरेक्शन ये वाले कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर 2 ओम में से भी ये I2 करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। सेम बात करते हैं अब सेकेंड लूप के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम I2 लिख रहे हैं तो सेकेंड लूप हमारा ये हुआ। सो 2 + 2 क्या आएगा, 4, लेकिन वो I2 के बारे में आएगा, सो +4 I2। ये वाले रेजिस्टेंस में से I3 करंट भी फ्लो करेगा, ठीक है, दैट इज वाई वी हैव टू राइट -4, ठीक है। जब I3 की बात कर रहे हैं कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो यहाँ पर 0 आएगा, जब I2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है तो 1 आएगा, ठीक है। सेम तो आप इजीली आपके सर्किट में से ये इक्वेशंस बना सकते हैं, ओके। फिर से क्रेमर रूल का मदद से हम फाइंड करेंगे I3 की वैल्यू क्या है और I2 की वैल्यू क्या है, मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखी है, सो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप क्रेमर्स रूल को यूज़ करके ये वाली वैल्यू से उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी मैं उसको फाइंड करने में टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, आप इजीली कर सकते हैं, ओके। एक बार हमें I3 और I2 मिल जाए, अब मुझे पता है दैट माई Z22 एंड Z12 इज नथिंग बट, ओके, सो Z12 इज नथिंग बट V1 डिवाइडेड बाय I2 और Z22 की वैल्यू क्या रहेगी, V2 डिवाइडेड बाय
आई टू सेम वी वन डिवाइडेड बाई आई टू। सो ये आप याद रखने के लिए है, ठीक है। अब वी वन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो वी वन इज़ नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ओम रेजिस्टेंस। अब मेरे पास आई थ्री करंट की वैल्यू है जो इसमें से फ्लो हो रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 1/6। ओके, सो इसकी मदद से मैं फाइंड कर सकता हूँ, दैट इज़ वी वन इज़ नथिंग बट 2 × 1/6, दैट विल बी 1/3। ओके, तो वी वन इज़ इक्वल टू 1/3, आई टू की वैल्यू हमारे पास है 1/3, तो ये हमें मिलेगा 1 ओम। यूनिट लिखने का मत भूलिए, 1 ओम, ठीक है। वी टू की वैल्यू हमारे पास है 1 वोल्ट, आई टू की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है वो है 1/3, सो 1 / 1/3 विल बी 3 ओम। सो ये हमें मिल गई हमारे एबीसीडी पैरामीटर। सो एक बार एबीसीडी पैरामीटर हमें मिल जाए तो हम हमारा जेड मैट्रिक्स लिख सकते हैं समथिंग लाइक 5, यहाँ पर है 5, दूसरी वैल्यू थी हमारी 1, यहाँ पर हमें मिला है -1 एंड 3, तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, तो ऐसे हम फाइंड करेंगे हमारे पास कोई भी नेटवर्क है उसके जेड पैरामीटर्स। अब एक चीज़ जो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताना भूल गया था कि जब भी हमारे पास कोई नेटवर्क है उसके जेड पैरामीटर फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास Z11 इज इक्वल टू Z22 होता है, उस केस में हम बोलते हैं कि भी हमारा नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल नेटवर्क है, और Z12 इज इक्वल टू Z21 होता है, उस वाले केस में हम बोलते हैं हमारा नेटवर्क है वो है रेसिप्रोकल नेटवर्क। तो यहाँ पर आप कंडीशन चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल नेटवर्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि Z11 इज इक्वल टू Z21 तो है ही, Z22 तो है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। बात करें Z12 Z21 की तो ये भी सेम नहीं है, इसका मतलब हमारा नेटवर्क सिमेट्रिकल भी नहीं है और रेसिप्रोकल भी नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको इसके एग्जांपल है उसको सॉल्व करना आ गया होगा, सेम प्रोसीजर को आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्जांपल था, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा थी, पर ना डिफ़िकल्टी वैसे तो कुछ नहीं थी, सिर्फ आपके पास एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था, ठीक है, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम I1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं और ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो करंट I1 की वैल्यू पर डिपेंड करता है, सो उस केस में ये 0 पुट करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, सो आई होप ऑल द थिंग्स यू हैव अंडरस्टैंड वेरी ओके क्लियरली। इसके रिगार्डिंग और एग्जाम हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब वाई पैरामीटर स्टार्ट करेंगे, उसके भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और साथ में लास्ट में ये जेड पैरामीटर या फिर 2 पोर्ट पैरामीटर के सारे एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच, सी यू गाइज़ नेक्स्ट टाइम।